नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोदी सरकार का हाल ही में नया मंत्रिमंडल चुन लिया गया है, तो उस नए मंत्रिमंडल में किसे किसे मंत्री बनाया गया था, किसे किसे नहीं बनाया गया है, तक कौन रेल मंत्री बना है, वित्त मंत्री कौन बना है, गृह मंत्री कौन बना है, इसके अलावा जो प्रमुख मंत्रालय हैं वह किस किस को दिए गए हैं, उस सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मोदी सरकार की दोस्तों ये दूसरी पारी है, मोदी 2.0 का मंत्रिमंडल अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मोदी का जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल के बारे में संपूर्ण हमें देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पोर्टफोलियो 2019 की पूरी सूची हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, तथा सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच पाएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी एग्जाम से संबंधित जितने भी वीडियो हम डालते हैं उन सभी की सूचनाएँ तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि मोदी ने दोस्तों लगातार दूसरी बार पीएम के रूप में शपथ ली है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो मोदी दोस्तों कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो ये 17वीं लोकसभा का चुनाव था, 17वीं लोकसभा के चुनाव में क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, ये बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ा सहित मंत्रिपरिषद के 57 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली है, तथा कुल 24 कैबिनेट मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में शपथ ली है। दोस्तों, इसके बाद 9 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार 24 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं, तो सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी हैं, वह हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास कौन से मंत्रालय हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये किस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। इनके पास कौन से मंत्रालय हैं, तो इनके पास जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वह हैं दोस्तों कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायतों का मंत्रालय एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग व सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जिन्हें किसी भी मंत्री को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है, वो सभी मंत्रालय कौन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री किन्हें किन्हें बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में किसे किसे जगह दी गई है, तो उसके बारे में देखते हैं। जो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में जो मुख्य मंत्रालय दिया गया है वह दिया गया राजनाथ सिंह को। तो राजनाथ सिंह कौन से मंत्री बने हैं, तो ये इन्हें दिया गया रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्री कौन हमारे, तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। तो वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हो गए, राजनाथ सिंह। अगला देखते हैं, अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है अमित शाह। इन्हें गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर बनाया गया है, मतलब होम मिनिस्ट्री संबंधित जितने भी मामले हैं वो अब अमित शाह देखेंगे। तो प्रमुख मंत्रालय अमित शाह को दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और निगमित मामलों के जो मंत्रालय है वह दिया गया है। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री चुनी गई हैं, जो पहले रक्षा मंत्री थी पिछली सरकार में, वो अभी वित्त मंत्री चुन ली गई हैं। तो ये फोटो में आपको दिखाई दे रही हैं, ये है निर्मला सीतारमण जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, इन्हें वित्त मंत्री चुन लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों इन्हीं के साथ एक कीर्तिमान और जुड़ गया है, वह है कि स्वतंत्र प्रभार वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमण। इससे पहले आज तक स्वतंत्र प्रभार के रूप में कोई भी महिला वित्त मंत्री भारत सरकार में नहीं बनी थी। एक बार इंदिरा गांधी बनी थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ में उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था, तो स्वतंत्र प्रभार में कैबिनेट मंत्री यानी वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट देखते हैं, एस जयशंकर या सुब्रमण्य जयशंकर जिन्हें बनाया गया है विदेश मंत्रालय। ये पहले विदेश सचिव थे, जिन्हें अभी दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में इन्हें विदेश मंत्रालय दिया गया है, विदेश मंत्री बनाया गया है। ये भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर को क्या बनाया गया है, विदेश मंत्री बनाया गया है। तो वर्तमान विदेश मंत्री कौन हो गए, जयशंकर हो गए। इससे पहले दोस्तों कौन थे, तो सुषमा स्वराज थी, इससे पहले विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट है
नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो जो पहले था इनके पास वही मंत्रालय नहीं दिया गया है, वह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, यानी सड़क मंत्री कौन हो गए? नितिन गडकरी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भी जो मंत्रालय है वह भी इन्हीं के पास रहेगा। तो फोटो में आपको दिखाई दे रही है, ये है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों डीवी सदानंद गौड़ा। तो इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है सदानंद गौड़ा को। तो फोटो में आपको सदानंद गौड़ा दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों हर मंत्री का मैं आपको फोटो दिखाकर बाकायदा समझा रहा हूँ। तो सभी आप आराम से वीडियो को देखें, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों रामविलास पासवान। रामविलास पासवान है, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें दोस्तों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण का मंत्रालय दिया गया है। तो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ये है रामविलास पासवान। ये बिहार से आते हैं दोस्तों, और इनकी एक खूबी यह है कि इन्हें मौसम विज्ञानी भी कहा जाता है। इन्हें मौसम विज्ञानी इसलिए कहा जाता है कि चाहे किसी की भी सरकार बने, ये उस सरकार में मंत्री बनते हैं। इन्हें कभी विपक्ष में नहीं रहते हैं, ये कोई ना कोई मंत्रालय हर सरकार में इनके पास से रहता है, चाहे कांग्रेस के बने चाहे बीजेपी के बने, ये दल बदलू रहे हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर को दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। तो हमारे कृषि मंत्री कौन हो गए? नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। इन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी बनाया गया है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर की हम बातें कर रहे हैं। अगला मंत्रालय है वह है दोस्तों रविशंकर प्रसाद के पास, वह है कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। तो वह कौन है? रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है हमारे वर्तमान में। नेक्स्ट है हरसिमरत कौर बादल। तो हरसिमरत कौर बादल जो पंजाब के बठिंडा से लोकसभा में चुनकर आई है, दूसरी बार चुनकर आई है, उन्हें दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है हरसिमरत कौर बादल को। तो ये फोटो में आपको दिखाई दे रही है, ये है हरसिमरत कौर बादल जिन्हें ये मंत्रालय दिया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अगला है दोस्तों थावरचंद गहलोत है। तो थावरचंद गहलोत हैं, इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। तो थावरचंद गहलोत को क्या बनाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। तो ये फोटो में आपको थावरचंद गहलोत दिखाई दे रहे हैं। अगला देखते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्हें मानव संसाधन एवं विकास मंत्री बनाया गया है, यानी माने तो शिक्षा मंत्री भी कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। तो ये फोटो में जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये है निशंक जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मंत्रालय है वह दोस्तों अर्जुन मुंडा को दिया गया है। तो कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के पास कौन सा मंत्रालय होगा? ये उनके पास होगा जनजातीय मंत्रालय। तो अर्जुन मुंडा कौन है? तो नीचे फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी दोस्तों जो अमेठी से लोकसभा में चुनकर आई है, 45,000 वोटों से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर लोकसभा में चुनकर आई हैं। इन्हें दिया गया दोस्तों महिला एवं बाल विकास या कपड़ा मंत्रालय दिया गया, किन्हें? स्मृति ईरानी को। तो स्मृति ईरानी इसका सही हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो फोटो में आपको ये डॉक्टर हर्षवर्धन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और तकनीक एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया, किन्हें? डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश जावड़ेकर को। तो प्रकाश जो जावड़ेकर हैं वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया प्रकाश जावड़ेकर को। तो ये नीचे फोटो में आपको प्रकाश जावड़ेकर दिखाई दे रहे हैं, ये है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल को दोस्तों कौन सा मंत्रालय मंडल दिया गया है? तो पीयूष गोयल को दोस्तों रेल मंत्री बनाया गया है। तुम्हारे जो वर्तमान रेल मंत्री हो गए वो कौन हो गए? पीयूष गोयल। तब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी कौन हो गए? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल को ये प्रमुख मंत्रालय दिए गए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। तो इस्पात मंत्री भी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। तो ये फोटो में आपको धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वह है मुख्तार अब्बास नकवी। ये भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले मुस्लिम चेहरे हैं जिन्हें हर बार अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय दिया जाता है। तो इस बार भी इन्हें मुख्तार अब्बास नकवी को
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रहलाद जोशी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य एवं कोयला एवं खान मंत्रालय दिया गया। किसे? प्रहलाद जोशी को। तो हमारे वर्तमान जो कोयला मंत्री कौन हो गए? प्रहलाद जोशी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो महेंद्र नाथ पांडे हैं इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो ये फोटो में आपको महेंद्र नाथ पांडे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। तो ये थे दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में हमने चर्चा की थी। अगला है दोस्तों अरविंद सावंत, तो अरविंद सावंत के बारे में देखते हैं। अरविंद सावंत को दोस्तों भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम के मामलों का मंत्री बनाया गया है, तो फोटो में आपको अरविंद सावंत दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जिले में मंत्री बने दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो अन्य जो बीजेपी के घटक दल हैं उन घटक दलों से बनाया गया है। अगला मंत्रालय है वह दोस्तों गिरिराज सिंह से, जो बेगूसराय से सीपीआई के चर्चित चेहरे कन्हैया कुमार को हरा कर आए हैं, इन्हें बनाया गया है दोस्तों पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन का मंत्री बनाया गया है। तो गिरिराज सिंह का चेहरा तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फोटो में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जो अपने बयानबाजी के लिए हर समय चर्चा में रहते हैं, तो ये हैं गिरिराज सिंह, जिन्हें डेयरी मंत्री बनाया गया है। अगला देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया दोस्तों जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। तो फोटो में आपको जो गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई दे रहे हैं, इन्हें जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये राजस्थान से आते हैं। तो इसका तो जल शक्ति मंत्री कौन हो गए? गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। ये थे दोस्तों हमारे जो कैबिनेट मंत्री थे, उन सभी के बारे में हमने आपको ऊपर बता दिया है। उन सभी को वीडियो को प्यूज करके आप आराम से धीरे धीरे नोट कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संतोष कुमार गंगवार, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो जो राज्य मंत्री बनाए गए स्वतंत्र प्रभार में, उनके बारे में हमें अब देखते हैं। तो संतोष कुमार गंगवार हैं, ये श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाए गए हैं। तो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं संतोष कुमार गंगवार हैं, जिन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया है। अगला देखते हैं, अगला है राव इंद्रजीत सिंह, तो राव इंद्रजीत सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन या योजना मंत्री बनाया गया है, राव इंद्रजीत सिंह को बनाया गया है। तो फोटो में आपको राव इंद्रजीत सिंह दिखाई दे रहे हैं, यह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कि नीचे और देखते हैं कि श्रीपद यशो नाइक, श्रीपद यशो नाइक है, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो श्रीपद यशो नाइक को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय जिन्हें दिया गया है, वह हैं श्रीपद यशो नाइक। तो फोटो में आपको ये यशो नाइक दिखाई दे रहे हैं। अगला देखते हैं मंत्रालय, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास यानी स्वतंत्र प्रभार, तथा पीएमओ कार्मिक जन शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष राज्य मंत्री के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चुना गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके सही आंसर हो गए। अगला है दोस्तों कि किरण रिजिजू जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें अब कौन सा मंत्री बनाया गया है, किरण रिजिजू को दोस्तों युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बनाया गया है। स्वतंत्र प्रभार में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में किरण रिजिजू को चुना गया है। तो किरण रिजिजू आप फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं किरण रिजिजू, किरण रिजिजू ये है फोटो में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह पटेल, तो प्रहलाद सिंह पटेल को दोस्तों संस्कृति एवं पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो फोटो में आपको जो प्रहलाद सिंह पटेल दिखाई दे रहे हैं, ये हैं संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजकुमार सिंह हैं, इन्हें किस मामले का मंत्री चुना गया है, तो राजकुमार सिंह को दोस्तों विद्युत नवीन एवं अक्षय ऊर्जा कौशल विकास और उद्यमिता के राज्य मंत्री के रूप में राजकुमार सिंह को चुना गया है। तो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं दोस्तों राजकुमार सिंह। नेक्स्ट देखते हैं आवासीय मंत्री थे पिछली बार, और इस बार भी इन्हें दोस्तों हरदीप सिंह पुरी है, इन्हें आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री चुना गया है। इसके अलावा नागर विमानन मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के रूप में हरदीप सिंह पुरी को चुना गया है। तो हरदीप सिंह पुरी क्या हो गए? आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्री हो गए। तो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है मनसुख एल मंडाविया, तो मनसुख एल मंडाविया को शिपिंग
रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है मनसुख एल मंडाविया को। तो मनसुख एल मंडाविया आपको नीचे फोटो में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये है मनसुख एल मंडाविया जिन्हें राज्य मंत्री चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य मंत्री। तो दोस्तों स्वतंत्र प्रभार में जो राज्य मंत्री थे वो हमने आपको ऊपर बता दिया, इसके ऊपर हमने दोस्तों कैबिनेट मंत्री थे उनके बारे में बता दिया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य मंत्री के रूप में जो 24 राज्य मंत्री मोदी सरकार में चुने गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं उन्हें दोस्तों स्टील मंत्री बनाया गया है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते को राज्य मंत्री बनाया गया, तो ये है स्टील मंत्री। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार चौबे, तो अश्विनी कुमार चौबे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। तो ये फोटो में आपको अश्विनी कुमार चौबे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल, तो ये राजस्थान से आते हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य एवं भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम के राज्य मंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। तो ये है अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से सांसद हैं। नेक्स्ट है जनरल वीके सिंह जिन्हें दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो जनरल वीके सिंह इसका सही उत्तर हो गया, तो इनके को आप जानते होंगे। तो ये फोटो में आपको जनरल वीके सिंह दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कृष्णपाल गुज्जर या कृष्णपाल जिन्हें सामाजिक न्याय और आधिकारिकता का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, कृष्णपाल गुज्जर या कृष्णपाल, ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हरियाणा से आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दानवे राव साहेब दादराव जिन्हें बनाया गया है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण का मंत्री बनाया गया है। तो दानवे राव साहेब दादराव इसका राइट आंसर हो गया, तो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी, तो जी किशन रेड्डी को दोस्तों गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री चुना गया है। तो ये जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर हो गया। तो अगला देखते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, तो पुरुषोत्तम रूपाला का दोस्तों राज्य मंत्री बनाया गया है। किस मामले का, कृषि और किसान कल्याण मामले का पुरुषोत्तम रूपाला को राज्य मंत्री बनाया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, तो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें जिससे सभी तक मंत्रियों की ये लिस्ट पहुँच पाएँ। ताकि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुंच सकें। अगला जो मंत्री है वह है दोस्तों रामदास अठावले, तो रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री चुना गया है। तो फोटो में आपको रामदास अठावले दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है साध्वी निरंजन ज्योति, तो साध्वी निरंजन ज्योति है इन्हें ग्रामीण विकास मामलों का मंत्री चुना गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन हो गई, साध्वी निरंजन ज्योति या राज्य मंत्री हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बाबुल सुप्रियो दोस्तों जो बंगाल से आते हैं उन्हें दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री कौन हो गए, बाबुल सुप्रियो। ये फोटो में आपको बाबुल सुप्रियो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है संजीव कुमार बाल्यान को दोस्तों पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री चुना गया है। तो ये फोटो में आपको संजीव कुमार बाल्यान दिखाई दे रहे हैं। अगला देखते हैं धोत्रे संजय सामराव, तो धोत्रे संजय सामराव को मानव संसाधन विकास संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर, तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं इन्हें वित्त मंत्री या वित्त निगमित मामले का मंत्री राज्य मंत्री चुना गया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर आपको ये फोटो में अनुराग सिंह ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है अंगदी सुरेश चन बसप्पा, इन्हें रेलवे मामले का राज्य मंत्री चुना गया है। तो अंगदी सुरेश कौन है, तो नीचे फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है अंगदी सुरेश। नेक्स्ट है दोस्तों नित्यानंद राय, तो नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री चुना गया है। तो नित्यानंद राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो नित्यानंद राय कौन है, तो ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नित्यानंद राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रतन लाल कटारिया, तो रतन लाल कटारिया का दोस्तों जल शक्ति सामाजिक न्याय और आधिकारिकता का राज्य मंत्री चुना गया है। किसे, रतन लाल कटारिया को, तो नीचे आपको फोटो में रतन लाल कटारिया दिखाई दे रहे हैं, तो ये है रतन लाल कटारिया।
अगला मंत्रालय देखते हैं वह दोस्तों वी मुरलीधरन है। तो वी मुरलीधरन को विदेश मंत्रालय या संसदीय कार्य का राज्य मंत्री चुना गया है। तो वी मुरलीधरन कौन है, तो नीचे फोटो में आपको दिखाई देंगे, वह है वी मुरलीधरन। तो यह है वी मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है दोस्तों कि रेणुका सिंह सरूता। तो रेणुका सिंह सरूता है, इन्हें जनजातीय मामलों का मंत्री चुना गया है। यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा सीट से जीत कर आई है। ये फोटो में आपको रेणुका सिंह दिखाई दे रही है, जो खेल साज सिंह जो कांग्रेस के हैं उनको हरा कर चुनाव जीत कर आई है। इन्हें जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश को दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मामलों का राज्य मंत्री चुना गया है। तो फोटो में आपको सोम प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है रामेश्वर तेली। तो रामेश्वर तेली को दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का राज्य मंत्री चुना गया है। तो रामेश्वर तेली इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रताप चंद सारंगी। तो प्रताप चंद सारंगी जो बहुत ही चर्चा में है इस बार, इन्हें दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन का राज्य मंत्री चुना गया है। किसे चुना गया, प्रताप चंद सारंगी को चुना गया है। नेक्स्ट है कैलाश चौधरी जो राजस्थान से आते हैं दोस्तों, कैलाश चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मामलों का राज्य मंत्री चुनाया गया है। तो कैलाश चौधरी इसका कौन सा मंत्रालय हो गया, इनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्री हो गए। ये फोटो भी आपको कैलाश चौधरी दिखाई दे रहे हैं। अब राज्य मंत्री में दोस्तों अगला जो मंत्रालय है वह देखते हैं, वह है देवाश्री चौधरी, जिन्हें महिला एवं बाल विकास का राज्य मंत्री चुना गया है। तो देवाश्री चौधरी हैं, ये पश्चिम बंगाल से दलित चेहरा हैं। ये है फोटो में आपको देवाश्री चौधरी दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी देवाश्री चौधरी। ये दोस्तों हमने चर्चा की मोदी सरकार का जो संपूर्ण मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल के बारे में इस वीडियो में हमने शुरू से लेकर अंत तक चर्चा की। इसके अलावा भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के, जनरल साइंस के या अन्य स्टडी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर हमने डाल रखे हैं, तो हमारे अन्य वीडियो भी देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।